नमस्कार। आप सबों का साइबर विद्यापीठ और यूथ फॉर्मेशन के द्वारा एक टॉक सीरीज है जो नेशनल सिक्योरिटी के बारे में चर्चा परिचर्चा के लिए रखी गई है। उसमें आप सबों का स्वागत है। आज हमारे बीच में वाइस एडमिरल रमन पुरी जी हैं। बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर है इंडियन नेवी के। BBSM, AVSM, BSM की उपाधि से उनको अलंकृत किया गया है। एडमिरल पुरी ने अपनी जिंदगी जो है 40 वर्ष इंडियन नेवी को दिया है और उन्होंने काफी एरिया में काम किया है। उनका जो एक मेजर एरिया का जो काम था वो ईस्टर्न कमांड के, वो नवल कमांड के हेड भी थे, चीफ भी थे, कमांडर इन चीफ। और 2006 में जब वो रिटायर किए उस वक्त CICS थे, बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे। और अभी वो भी सेवा में, भारत के सेवा बात में। है, भारत बढ़िया लगा। के सेवा में लगे हुए हैं और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं। आप सबों से के बीच में आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो रमनपुरी सर, आपसे दो क्वेश्चन के साथ में आपको मैं माइक हैंड ओवर कर दूंगा। एक तो बच्चों के लिए जो है 1971 का वारशिप में आप क्या कर रहे हैं, तो उससे वहां से शुरू करें और फिर नेशनल पैराडाइम के बारे में बात करें। ओवर टू एडमिरल रमनपुरी। थैंक यू। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस साइबर विद्यापीठ के में शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा इस देश के बहुत काम काम की है और इसमें बहुत हमको जरूरत भी है। ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर जैसे मुझे कहा गया, मैं पहले आपको 1971 की वॉर के बारे में बता दूं। मैं तब एक लेफ्टिनेंट था नेवी में, और नेवी में लेफ्टिनेंट एक आर्मी में कैप्टन की तरह होता है। मैं एक छोटे जहाज, एक जहाज था जिसका नाम था किल्तान। उसका मैं ऑपरेशंस और गनरी ऑफिसर हूं था। हमारा जहाज वैसे तो ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में बेस्ड था, परंतु जुलाई के बाद हमें पता लग गया था कि युद्ध तो होना है, क्योंकि इतने शरणार्थी आ गए थे, इतना अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश, जो अब बांग्लादेश है, तब ईस्ट पाकिस्तान के। हमको साफ हो गया था कि अब युद्ध, जब समय ठीक होगा तो शुरू हो जाए। और हमारे जहाज को उन्होंने विशाखापट्टनम से बॉम्बे में हम चले गए, और बॉम्बे में, आजकल मुंबई कहते हैं पर तब हमें हम बॉम्बे ही कहते थे, और बॉम्बे में हम दिन, हर हफ्ते में 3 4 5 6, कभी कई कई दफा महीना बाहर अपने युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे, क्योंकि नेवी की तैयारी ज्यादा तो समुद्रमय होती है। मेरी शादी 71 में ही हुई, सितंबर में। तब मेरे को 15 दिन की छुट्टी मिली कि अब शादी करा के आ जाओ, और मैं दिसंबर के महीने में, मैं हमें हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया कि अच्छा भाई, सब ऑफिसर अपने फैमिलीज और से फैमिलीज को मिलके आता। हमें समझ में नहीं आया ऐसा, ऐसी दया क्यों आ रही है, परंतु हम सब कोई शाम के 5:30 बजे होंगे घर गए मिलके। उन्होंने कहा था 8 बजे तक वापस आ जाए। 8 बजे जब मैं वापस आया तो मेरे को कमांडर इन चीफ का जो हम उसको ADC कहते हैं,
उसने कहा कि मैंने आपको आपके जहाज के कैप्टन को युद्ध के जाने के लिए ऑपरेशन ऑर्डर पकड़ा दिए हैं, अब आप जाके अच्छी तरह ठोक के आना। तो मुझे मैं हम गए नीचे, तो हम मुझे कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया, और क्योंकि मैं जहाज का ऑपरेशन ऑफिसर भी था, मुझे ऑर्डर दिए गए। थोड़ी थोड़ी हमने चर्चा की, और हम उस रात को हमने एक पोर्ट है कैम्बल बे में, आपको मालूम कैम्बल बे, आप अगर जो भारत का नक्शा देखें समुद्र समुद्री तट का, तो आपको वेस्ट कोस्ट पे दीव हेड के पास एक बे बनता है जिसका नाम है कैम्बल बे। तो हमें वहां जाना था, कुछ देरी हो गई, पर हम पूरी रात को बैठ के वो ऑपरेशन ऑर्डर पढ़ के अपने ग्रुप के लिए एक ऑपरेशन ऑर्डर बनाया, क्योंकि हमारा जहाज उस अटैक जो हमने करना था, वो हमें तब पता लगा कि हमें कराची जाके अटैक करना है, उसका हमारा जहाज 5 जहाजों का कमांडर था, जिसमें एक जहाज का नाम था किल्तान और 3 मिसाइल बोट्स हमारे साथ थी, विद्युत, निर्घट। अब तो ये जहाज पे ऑफ भी हो गए हैं, और मेरा जहाज भी किल्तान वो भी अब तो हिस्ट्री में चले गया है। हम ओखा में कोई सॉरी ड्यू हेड पे कुछ रात को 6 1 बजे पहुंचे, और 3 तारीख की रात है मुझे याद है, और हमें ऑर्डर आए अब 4 5 की रात को अटैक कराची के लिए, आपको अटैक करना है। और इस अटैक का नाम उन्होंने कोड वर्ड दिया था अंगार, कि जब आपका अटैक पूरा हो जाए, कार्यवाही पूरी हो जाए, तो आप ये कोड वर्ड सिग्नल कर देना। बाकी जब से हम बॉम्बे गए, हमें ना तो कोई कोई भी मैसेज किसी से, पूरे जिसको कहते हैं हमारे नेवी की पार्लेंस में होता है रेडियो साइलेंस, मतलब हम किसी से बात नहीं कर, क्योंकि आप अपना रेडियो खोलोगे तो उस पे इंटरसेप्शन हो जाती है, तो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के रेडियो ही से बात होती थी, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, जो अपने ग्रुप में बात कर सकते थे पर बाकी बात नहीं करते। तो वहां से हम गए, तो हमें वहां से हम अगले दिन कोई रात के 1 2 बजे वहां से निकले और ओखा पहुंच गए। ओखा भी वेस्ट कोस्ट पे एक पोर्ट है, जहां पे 1965 में भी मैं उसी पोर्ट पे था, जबकि एक पाकिस्तानी जहाज ने द्वारका पे शेलिंग की थी। वो अलग कहानी है, उसमें अभी नहीं जाऊंगा कि बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहां से फिर हम ओखा से हम चले कोई दोपहर के 2 बजे, 2 बजे चल के कोई 6 बजे तक हमने एक ऐसा मार्ग अपनाया जो जिससे लगे कि हम तो जी गल्फ में जा रहे हैं, परंतु हम 5 जहाज इकट्ठे, जिसमें 3 मिसाइल बोट्स थी, जिनके पास ऐसी मिसाइल थी जो कि 32 किलोमीटर पे दुश्मन को मार कर सकती थी। आजकल तो वैसे 500 500 600 600 किलोमीटर की भी मिसाइल्स हैं, पर 71 में यही हमारे सबसे अच्छी मिसाइल हमारे पास थी। तो हम निकले, और रात हुई नहीं कि हमने कराची की तरफ अपना मुख मोड़ लिया। कोई रात के 11 बजे होंगे कि हमें अपने रेडार पे, और ये पूरी पूरे युद्ध में हमने ना तो दुश्मन को देखा ना दुश्मन ने हमको देखा, पर हमें कोई 40
मील दूर पे एक जहाज दिखाई अपने रेडार पे दिखाई दिया, जो कि बड़ा जिगजैग करके आ रहा था और बड़ा तेज चल रहा था। तो हमको ये समझ में आ गया कि ये तो कोई युद्धपोत ही है। तो हमने अपनी एक मिसाइल बोट को उसकी तरफ, उसको बताया कि इस जहाज को आप एंगेज करें, इसके ऊपर अपनी मिसाइल्स फेंकें। कुछ आधे घंटे में, क्योंकि हम भी तेज चल रहे थे, वो भी तेज चल रहे थे, तो बहुत जल्दी आधे पौने घंटे में ही वो हमारी मिसाइल के डिस्टेंस में आ गया और हमारे युद्धपोत ने, छोटी सी ये 200 टन की मिसाइल बोट थी, इसने ले इसको लेके हमने उसने दो मिसाइल उस पर फायर की और वो जो जहाज बड़ा तेज चल रहा था वो सडनली हमको अपने रेडार पे दिखाई दिया कि वो तो खड़ा हो गया है। इसका मतलब यही है कि वो डूब 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 गया है कि डूबने वाला है, पर अब वो युद्ध नहीं कर सकता। और हम ये जहाज तो हमारे बाएं हाथ सीधा निकल गया, परंतु हम सीधा चलते रहे। बाकी चार तीन जहाज हमने इसके साथ एक और जहाज भेज दिया था किल्तान, बाकी दो मिसाइल बोट और हम कराची की तरफ ही चलते रहे। वहां पे भी फिर कोई 12 बजे के करीब हमें एक और जहाज उनका बड़ा दिखाई दिया जिसका नाम शाहजहां था, बाद में पता लगा, और उसको भी ये निपत करके एक जहाज था, उसको वो आगे भेजा और उस जहाज ने उस जहाज को भी दो मिसाइल मारी और वो डूब गया। हमें सिर्फ, क्योंकि हम उसी रास्ते में जा रहे थे, हमको बहुत बड़ी आग दिखाई थी। इतने में हमने देखा कि हम कराची से कोई 40 मील दूर होंगे, तो हमने देखा कि बड़े जोर से वहां पे जब जब एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर करती है तो उसमें से वो बुलेट्स निकलती हैं और उनमें कई बुलेट्स के पीछे लाल लाल लाइट दिखाई देगी आप, उसको ट्रेसर कहते हैं। तो वो फायर कर रहे थे, किस पे फायर कर रहे थे हमें तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने तो कोई कोई हवाई जहाज तो वहां था नहीं। परंतु युद्ध में ये होता है, लोग इतने वो कहते हैं ट्रिगर हैप्पी हो जाते हैं, वो जरा सा सोचते हैं मेरी तरफ कोई आ रहा है तो उसके ऊपर चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ये जहाज भी गया। फिर बस ये इस जहाज ने बोला कि अब तो मुझे कोई और दिखाई नहीं दे रहा। हमने बोला उसको, अच्छा तुम अपनी जो एक मिसाइल है उसको कराची हार्बर में फायर कर। तो उसने आगे जाके कराची हार्बर में वो मिसाइल फायर की, जो कि जाके उनके कराची हार्बर का अगर जो आप नक्शा देखें तो एक तरफ बहुत सारे ऑयल टैंक्स हैं, हमारे जैसे बॉम्बे में भी ऑयल टैंक्स हैं, बहुत सारे ऑयल टैंक्स हैं वहां पे। तो वो जाके मिसाइल उन ऑयल टैंक्स पे लगी और वहां पे कराची में ही वो ऑयल टैंक्स में आग लग गई। तो ये तो तीसरा जहाज था हमारे साथ, अभी एक और बचा हुआ था। उसके लिए हमें टारगेट एक रात को 1 बजे के करीब मिला। हमने उसको बोला उसको अटैक करो। वो एक उनका माइन स्वीपर, कोई ज्यादा बड़ा जहाज नहीं था, छोटा जहाज था, उसने उस माइन स्वीपर के ऊपर अपना मिसाइल लगा दिया। वो तो एक ही मिसाइल से डूब गया। और फिर हमारे ऑर्डर ये थे कि आप 1-1.5 बजे के बाद वापस चलना शुरू कर देना। तो हमने पूरे फोर्स को बोला, क्योंकि हम तो अब बिखर गए थे, तो हमने पूरे इकट्ठा करना फिर जाना। हमने कहा कि अब ठीक है, हम सब, हमको एक पॉइंट दिया गया था मंगरोल हार्बर, वो ओखा के नीचे है, आपको वेस्ट कोस्ट पे मिलेगा, गुजरात कोस्ट पे मिलेगा ये हार्बर मंगरोल। तो हम वहां सब जाके मंगरोल पे मिले। तो इस रात को कम से कम ये 2 घंटों में दुश्मन के तीन जहाज डूब गए थे और कम से कम नहीं तो 700-800 उनके सेलर और अफसर साथ में गए। तो लड़ाई जो है बड़ा सीरियस अफेयर होता है इसमें, या तो वो कहते हैं ना
आप या तो मारोगे या मरोगे, तो यही है। उस अगले दिन हम जब रेडियो ऑन किया हमने अपना वहां पे, तो सभी न्यूज में आ रहा था कि 3 जहाज डूब गए, 4 जहाज डूबती, इनका ये हो गया, अल्लाह अकबर चल रहा है कराची में। तो ये ऐसा था, वो एक्साइटिंग डेज थे। फिर हम धीरे अपने सब जहाज हम बॉम्बे वापस चले गए। 16 तारीख को हमको फिर ऑर्डर मिले थे कि जाके अटैक करो, पर 16 तारीख को, जैसे आपको मालूम है, तब तक जिस हम 15 तारीख को चले थे, पर 16 तारीख को जब हम अटैक के लिए निकलने ही वाले थे, सीज फायर हो गया था और युद्ध बंद हो गया था। तो ये तो मेरी कहानी है, बाकी लड़ाई तो बहुत जगह चली। हम तो एक यंग ऑफिसर थे, हमें ज्यादातर अपने ही जहाजों का पता था और थोड़ा बहुत फ्लीट का पता था, क्योंकि बाकी फ्लीट भी, उन्होंने भी एक और अटैक, मिसाइल अटैक गल्फ की तरफ से किया था, उसमें भी 2 जहाज डूब गए थे पाकिस्तान के। और फिर बाकी कहानी है। तो ये हमारी स्टोरी है। ईस्ट कोस्ट पे एक सबमरीन भी मारी थी उनकी, और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने तो ईस्ट कोस्ट पे उनके बहुत अटैक किए कराची पे, उनका हार्बर ही नहीं चल सकता था उसके बाद। तो ये 1971 एक, समझिए कि एक पहले पहले युद्ध था जो हमने मे भी 7-8 100 सालों में जीता होगा। तो ये ऐसा था। चलिए, तो अब मैं आता हूं आपके पास, आपसे बात करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी जो हमने 71 की लड़ाई में देखी और जो आज देख रहे हैं, इसमें बहुत फर्क आ गया है। नेशनल सिक्योरिटी अब तब था, अब तो जिसको कहते हैं ना, होल ऑफ नेशन है, पूरे देश की क्षमता से ये लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, इसमें कोई नहीं बचता। आपने यूक्रेन की लड़ाई देख ही रहे होंगे, अखबार में भी पढ़ रहे होंगे, फौज के बंदे उतने ही लड़ रहे हैं जितने पीछे नागरिक लड़ रहे हैं। पावर स्टेशंस को अटैक हो जाता है, डैम्स पे अटैक हो जाता है। तो ये आज का जो युद्ध, नेशनल सिक्योरिटी जो है, वो एक पूरे देश की एफर्ट होती है और ये साल के 24 घंटे चलती है। और खासकर जिस डोमेन में आप हो, साइबर में, ये तो पूरे 24 घंटे चलता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आता। तो ये होल ऑफ नेशन एफर्ट में आप देखेंगे, इसमें फौज ही नहीं, फौज तो खैर अपना काम करती है, अब हमारे हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के पीछे काम तो होता ही है, परंतु साथ ही में डिप्लोमेसी भी चलती है, विदेश नीति साथ साथ चलती है, कभी विदेश नीति आर्म फोर्सेस को की मदद करती है और कभी आर्म फोर्सेस विदेश नीति की मदद करते हैं, ये दो तो आर्म्स रहते ही। पर ये जो होल ऑफ नेशन एफर्ट है, जो ये नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, इसमें बेसिक आइडिया यही है कि हम सॉवरेन रहें, जिसका मतलब है कि हम अपने देश के बारे में खुद अपने डिसीजन ले सकें, हमारे डिसीजंस में हमारी इलेक्शंस हो, हमारे डिसीजंस हो, जो भी, वो हमारे अपने हो, हमारे देश के हित में हो। और आज जो है नेशनल सिक्योरिटी, उसमें आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं जी वर्ल्ड गवर्नेंस हो गई है, वो यूनाइटेड नेशंस आ गया है, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड की गवर्नेंस है ना, वो दुनिया से सबसे बदतर कंट्री की गवर्नेंस से भी बदतर है, क्योंकि
वर्ल्ड की गवर्नेंस में जो यूनाइटेड नेशंस में होता है और जहां भी होता है, वो जमाने गए जी, वचन दे दिया था तो ये करना है, वो यहाँ पे कोई वचन सचन नहीं चलता। यहाँ पे अपना सेल्फ इंटरेस्ट, मेरा इस चीज में क्या इंटरेस्ट है, और हर एक देश अपना इंटरेस्ट देख रहा है। वो आज एक तरफ होगा, कल दूसरी तरफ होगा। और जिसको कहते हैं कि किसी देश का कोई परमानेंट फ्रेंड भी नहीं होता, दोस्त भी नहीं होता, और कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता। आज कोई एक जमाने में हमारा देखा देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स इन कंट्रीज के साथ कोई अच्छे रिश्ते नहीं थे, परंतु आज हमें भी जरूरत है, उनको भी जरूरत है, तो रिश्ते बेटर हो गए हैं। तो ये अपने हर एक के सेल्फ इंटरेस्ट पे, अब सेल्फ इंटरेस्ट सिर्फ बाउंड्रीज को अपने को ठीक रखने के लिए नहीं होती, वो बड़ा मेजर चीज है, पर सेल्फ इंटरेस्ट आपका हर जगह है। आपका एनर्जी में सेल्फ इंटरेस्ट है, आपका आपका या पूरी इकोनॉमी में सेल्फ इंटरेस्ट, अपना सेल्फ इंटरेस्ट है कि आपकी ट्रेड बढ़े, आपकी ट्रेड का बैलेंस ठीक हो, हर एक चीज में आपका सेल्फ इंटरेस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ इंटरेस्ट है, कम्युनिकेशंस में सेल्फ इंटरेस्ट है, आपके रिसोर्सेस पे सेल्फ इंटरेस्ट है। तो हर एक कंट्री का अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, और उसे वो हर मोड पे उसको बढ़ाते हैं। और ये सेल्फ इंटरेस्ट को अपने को बढ़ाने के लिए ज्यादातर चार लीवर यूज किए जाते हैं, और ये चार लीवर एक्चुअली पांच हो गए हैं आजकल। ये लीवर क्या है? लीवर जिससे कि हम अगले को इन्फ्लुएंस करते हैं, अगले से लड़ाई भी करते हैं, अगले से डिप्लोमेसी भी करते हैं। ये पांच लीवर इंप्लॉय होते हैं। एक तो हो गया आपका स्ट्रेटेजिक लीवर, इसमें आर्म फोर्सेस वगैरह काम करती। दूसरा हो गया आपका डिप्लोमेटिक लीवर, डिप्लोमेटिक लीवर जो कि आपकी ये फॉरेन सर्विस कर, आपकी विदेश नीति में आता है। तीसरा लीवर है आपकी इकोनॉमी, और इकोनॉमिक लीवर में सब कुछ आ जाता है, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी। ये सब जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी भी नहीं चलेगी, और आपकी डिफेंस में भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी फॉरेन सर्विस में प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा लीवर होता है। हम सोचते हैं कि जी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई है तो सबका इंटरेस्ट, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सब अपना ही इंटरेस्ट देखते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन बात करने की बहुत अच्छी है, परंतु अल्टीमेटली हर देश अपना सेल्फ इंटरेस्ट दिख रहा है। और इस सेल्फ इंटरेस्ट को ठीक करने के लिए देश को हर क्षेत्र में क्षमता चाहिए। हमें आप जिस जिस मर्जी फील्ड में हो, आप एक्सेल कीजिए, वो आपकी देश की नेशनल सिक्योरिटी में काम आएगा। और साइबर सिक्योरिटी तो मेरे मेरे ख्याल में आजकल मैं आऊं सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि इसके बिना कई कुछ हो सकता है। गाड़ियों का एक्सीडेंट हो सकता है। अब मेरे को कोई सेक्टर बताइए जिसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस करके ये तो है ही। तो ये चार मैंने लीवर बताया जो कि एक्ट करते हैं, और इन चारों ये डिप्लोमेट, और फिर लास्ट लीवर है कल्चरल लीवर। आजकल ये भी हो गया है कि भाई मैं अपने जो मेरी कल्चर है, मेरे देश में जो मैं करता हूं, वो दुनिया भी करे वैसा ही। तो आप देखेंगे कि ये कल्चरल लीवर जो है हमारे ऊपर, इसके ऊपर जो अटैक हुए हैं
ये तो अंग्रेजों ने 1825 1830 से ही शुरू कर दिए थे, उससे पहले भी शुरू कर दिए, जिससे कि आज आप समझेंगे कि वो चाहते हैं कि हम अपनी सभ्यता को भूल जाएं और उनकी सभ्यता के मुताबिक चलें, जिसमें फिर वो हमारे पे राजी करेंगे। तो जो सभ्यता है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। मैं अब हिंदी में मैं पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा, परंतु आप समझेंगे और इसके ऊपर मैं थोड़े से आऊंगा। तो क्योंकि ये सभ्यता के द्वारे वो देश को तोड़ देते हैं, देशों को तोड़ देते हैं, और ये हुआ है। आपने देखा होगा ये ईस्ट यूरोप में क्या हुआ, जो जिसको कहते हैं कलर रेवोल्यूशंस क्रिएट कर दिए गए। और ये नहीं है कि वो इधर नहीं कर सकते और करने की कोशिश नहीं करते। आपने ओबामा साहब की स्पीच सुनी होगी तो आप समझ जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये इन सब चीजों को करने के लिए, चाहे आपकी डिप्लोमेसी ठीक करनी है, चाहे आपकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, चाहे आपके इकोनॉमिक को अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, चाहे आपके इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है, और चाहे आपकी सभ्यता को ठीक रखना है, इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीडरशिप। लीडरशिप के बिना आप देखेंगे कि अगर जो लीडरशिप हमारी 1947 में ठीक होती तो आज ये कश्मीर की प्रॉब्लम ना होती। हम तो युद्ध जीत रहे थे, हमें क्या पड़ी थी यूनाइटेड नेशन में जाने के लिए। और यूनाइटेड नेशन में हम क्यों गए? क्योंकि हमारे उस टाइम की लीडरशिप किससे गाइडेंस लेती थी? इस देश का इंडिपेंडेंट इंडिया का कमांडर इन चीफ होता था एक अंग्रेज, पाकिस्तान का कमांडर इन चीफ था एक एक अंग्रेज, हमारा गवर्नर जनरल जो आज के उसमें कहोगे प्रेसिडेंट, वो भी था एक अंग्रेज, और उसकी बीवी भी बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। तो हुआ क्या, हम यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए इन सब की एडवाइस पे। सरदार पटेल बेचारे कहते रह गए, वो ऐसे ही कुछ उसकी साहब जी ने तो ये था कि लीडरशिप इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर जो लीडरशिप ठीक नहीं होगी तो हमारा हाल जो 47 में हुआ, जिसने कश्मीर प्रॉब्लम हमारे लिए परमानेंटली खड़ा कर दी, उसी लीडरशिप ने हमारी चाइना की प्रॉब्लम खड़ा कर दी। हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई तिब्बत को, वो अगर जो अटैक कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने की क्या जरूरत पड़ी थी कि ये चाइनीज है? हमें अपने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को गिफ्ट करने की क्या जरूरत पड़ी थी? दुनिया के अमेरिका कह रहा था, रशिया कह रहा था कि भाई आप सिक्योरिटी काउंसिल में आओ और आप हम हाथ फैला के कह रहे हैं कि हमको वहां होना चाहिए। और रोक कौन रहा है? चीन। तो ये बात है, लीडरशिप ठीक नहीं होती तो ऐसा ही होता है। 71 में, पहले 65 में लड़ाई तो हम जीत गए, परंतु हाजी पीर जो बड़े मुश्किल से कैप्चर किया था, कई कई सोल्जर्स ने अपना बलिदान दिया था वहां पे, वो वापिस कर दिया। क्या जरूरत पड़ी थी हमें? देखो, लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रेशर में भी नहीं आती, अपना राह ढूंढती है। 71 में क्या हुआ, लड़ाई हम वहां भी, बांग्लादेश भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, परंतु
93,000 प्रिजनर्स वापस कर दिए, और हमारे 50 प्रिजनर जो उनकी उनकी जेलों में थे वो वापस नहीं लिए, और न ही कश्मीर की कोई बात की, क्योंकि ये नहीं कि हमारे विदेश मंत्रालय ने उनको बताया नहीं था कि हमें क्या क्या करना चाहिए ये बंदे वापस करने के लिए। उन्होंने क्या किया, हम पैर में पड़ गए भुट्टो साहब इंदिरा गांधी के, ये तो मेरे को मेरे कोलीग्स ने बताया है, और रोए कि अगर जो ऐसे करोगे तो मैं तो मर जाऊंगा जाके। तो हमने उनके प्रिजनर वापस कर दिए, उसका भी हम आज भुगतान कर रहे हैं। उसने जाके क्या कहा कि हम हिंदुस्तान को 1,000 कट से मारेंगे, तो वो आतंकी जो है ना, ये यहाँ पे 1,000 कट लगाने आए हुए हैं। तो भैया हमें, आपको, मेरे को, सबको इसका ख्याल रखना है कि देश की जो कमांड है ना, वो हमेशा एक अच्छे लीडर के हाथ में जाए। चाहे वो अब नेशनल लेवल पे बड़ी नेशनल इश्यूज होती हैं, इश्यूज ऑफ फॉरेन पॉलिसी आ जाती हैं, इश्यू आर्म फोर्सेस के बारे में आ जाती है, कम्युनिकेशन के बारे में आ जाती है। कम्युनिकेशन मतलब जैसे आपकी रेलवेज हुई, जैसे आपकी हाईवेज हुई, ये सब चीजें, टेलीकम्युनिकेशन हुआ, ये सब नेशनल लेवल पे चीजें चलती हैं, और वैसे ही कई चीजें स्टेट लेवल पे चलती हैं। तो जब आप स्टेट लेवल में लीडरशिप देखते हो तो देखो कि उस लेवल की चीजों के लिए आपके लिए कौन अच्छा है। परंतु हमें देखना पड़ता है कि लीडरशिप जो हमारी हो, खासकर नेशनल लीडरशिप, वो हमारे इकोनॉमी को भी ठीक तरह देख सके, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ठीक तरह देख सके, हमारे डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट का। मोदी जी गए हुए हैं अमेरिका, आप देख लो उनकी कैसे रिसेप्शन हो रही है, और उन्होंने कैसा भाषण दिया कल वहां पे, और क्या क्या वो करके आ रहे हैं। देश का हित देखने वाले बंदे चाहिए, और अब इकोनॉमी के ऊपर देख लो। इकोनॉमी में आपको बताऊं कि हमने वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एग्रीमेंट में ऐसे ही एग्रीमेंट्स कर ली थी। अब क्यों किए तो मैं अभी तक मेरे को तो समझ में नहीं है। ये एग्रीमेंट्स हुई कुछ 1980, 1991, 1995, 1996, इन सालों में हुई थी, जबकि विदेशी माल पे ड्यूटी कम थी और यहाँ पे लोग, अब जो हम बनाते थे उस पे ड्यूटी ज्यादा थी, तो आपकी इंडस्ट्री नहीं मरेगी। और ये खासकर टेलीकम्युनिकेशंस में हुआ, जिस फील्ड में हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, साइबर की फील्ड में, जहां पे हम इफेक्टेड हैं आज के दिन। और ये नहीं है कि उस टाइम सरकार को बताया नहीं गया, और मैं खुद इन्वॉल्व था इस चीज में। 2003 चार चार की बात है, मैं खुद इन्वॉल्व था, क्योंकि आर्म फोर्सेस का मैं देखता था इन कामों को, और पूरे आर्म फोर्स की तरफ से मैंने सरकार को इन्फॉर्म ही नहीं किया, लिख के दिया था। इनका कैबिनेट नोट एक दफा रुक गया था, फिर मेरे को बुला के कई कुछ बोला गया, पर मैं माना नहीं। मैंने कहा आप ये कर लो कि हम टेलीकम्युनिकेशन में 74% FDI ले आएंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि आपका टेलीकम्युनिकेशन आपने विदेशियों के हाथ में पकड़ा दिया, और टेलीकम्युनिकेशन आप अपने विदेशियों के हाथ में पकड़ा दोगे तो फिर आप समझ सकते हो, तो आपकी गुप्तनीयता क्या रह जाएगी। हमने लिख के दिया था इनको कि आप ये काम करोगे तो आपकी
एक तो साइबर सिक्योरिटी जीरो हो जाएगी और दूसरा हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और यही हुआ है। आज जब हम इन सब चीजों को ठीक करना कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से, तो बहुत बाधाएं आ रही हैं। आपने देखा होगा एम्स पे अटैक हो गया, कई जगह अटैक हो रहे हैं। तो आपको ये साइबर विद्यापीठ में तो बताते ही होंगे कि कैसे हो रहा है। तो ये सब अटैक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उस टाइम की डिसीजंस के लिए हो रहे हैं, नहीं तो ऐसा ऐसी हालत हमारी होनी नहीं चाहिए। हमको आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ऐसी होती कि हम अपने नेटवर्क्स में अपने राउटर डालते, अपने प्रोसेसर डालते, वो हम नहीं कर सके, क्योंकि फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप पे तो ड्यूटी जीरो थी, यहाँ पे वैट भी लगता था, कई कुछ लगता था, तो अपनी इंडस्ट्री को हमने खुद मार दी। तो ऐसी भी तो ऐसी लीडरशिप आ जाएगी तो वो विदेशियों के हाथ में, मेरे को तो लगता है हमें वो चाहते थे कि हम विदेशियों के हाथ में चले जाएं। तो ये बात है। तो मैं इस आपसे कहना चाहता था कि आप अब जिस फील्ड में हो, अब जिस हालत में हमको 2003, 4, 5 की सरकारों ने, 3, 4 की सरकारों ने पहुंचा दिया, 5 की तक, 5, 6 तक भी जिस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया, अब उसका समाधान यही है जो हम, जो ये सरकार अब कोशिश कर रही है। उसमें बहुत बाधाएं आएंगी और इसमें आप देख ही रहे हो कि एक ही तरीका रह गया, हम ऐसे अच्छे साइबर वॉरियर तैयार करें जो कि ये जो अटैक आते हैं उनको समझ सकें और उनका समाधान कर सकें। और मुझे आशा है कि साइबर विद्यापीठ में जो आपकी पढ़ाई हो रही है, जो ट्रेनिंग हो रही है, उसमें आप इन चीजों में सक्षम हो जाओगे। देश के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे, मेरे को ये बता दीजिए कौन सा सेक्टर वल्नरेबल नहीं है? आपके पावर प्लांट्स में पूरा चाइनीज माल लगा हुआ है, आपके हर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, आपका जो कंप्यूटर है उसमें भी वो घुसे हुए हैं। तो इनको रोकने के लिए अब बंदे चाहिए, और इस देश को 10-15 बंदे नहीं चाहिए, 1,000-2,000 नहीं चाहिए, 1 लाख 2 लाख नहीं चाहिए, 5 मिलियन चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छा। तो ये एक फील्ड है जो आपकी नौकरियों के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके कमाई के लिए भी बहुत अच्छी है, वो तो है ही, पर उससे ज्यादा देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसमें आप दिल लगा के काम करिए। हम तो अब हमारा तो जाने का टाइम आ गया है, हाँ, और अब हम सोचें कि हम इस फील्ड में कुछ सीख जाएंगे, वो कर भी नहीं सकते, ठीक है, वो क्षमता नहीं है, परंतु आप के लिए तो ये देश में बहुत लंबा समय है। आपको अपने लिए ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी सुरक्षा को के ऊपर ध्यान दें। और फाइनली मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, अपनी सभ्यता के बारे, कल्चर के बारे, हमें समझना चाहिए कि अंग्रेज पहले तो कोई 1,000 साल पहले सल्तनत आए थे यहाँ पे, उसके बाद मुगल आ गए। ये गलत फहमी फैलाई गई है कि हम इनसे लड़े ही नहीं, ऐसे ही हारते ही गए, ये बिल्कुल गलत फहमी है। मुगल तो काफी सीधे हो गए थे जब तक जाने का इनका टाइम आया। यहाँ पे रानी की झांसी ने लड़ाई की है, राणा प्रताप ने लड़ाई की है,
शिवाजी ने, और साउथ में चिन्मय करके एक थी, इन्होंने बड़े युद्ध किए हैं और इनको काफी बहुत दफा हराया है। शिवाजी महाराज तो इनसे हारे ही नहीं थे। और शिवाजी महाराज ना की बलौदत की युद्ध में क्षमता से ही आज हमारे साउथ में ये लोग नहीं पहुंचे हुए, नहीं तो ये महाराष्ट्र से फिर साउथ में पहुंच जाते। तो ये हिस्ट्री बहुत उस पीरियड की है। पर सभ्यता पे ऊपर अटैक तब भी हुए, पर तब अटैक ऐसे होते थे कि फोर्स्ड कन्वर्जन होती थी। ये तो देखा गया है कि हम सबका डीएनए तो एक ही है, तो हमारे इतने मजहब कैसे आ गए, वो सब उस जमाने का है जबकि फोर्स कन्वर्जन, हमारे दादा परदादाओं को फोर्स कन्वर्जन किया गया ये बता के कि तुम हम ही ठीक हैं, तुम गलत हो, और बहुत अत्याचार किया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने तो उससे भी बढ़ के वो जरा जिसको कहते हैं ना चालाकी से काम करते थे, वो तलवार से काम उन्होंने कम किया, पर चालाकी में उन्होंने जयचंद पैदा किए यहाँ पे, जिससे कि नहीं तो रानी की झांसी तो हारने वाली नहीं थी, ये जयचंद ना पैदा होते तो। पर उससे ज्यादा इन्होंने हमारी कल्चर पे अटैक किया। इन्होंने देख लिया था कि इस देश में हमारी जो कल्चर है उसको, मैं इंग्लिश में कहूं तो उसको कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी भी जो है वो सिविलाइजेशनल डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और हमें इस सभ्यता से कोई 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 भुलाने की जरूरत नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्रीज को अपनी पुरानी सभ्यता बुलाने की जरूरत है, क्योंकि वो तो डार्क एजेस में थे, हम तो डार्क एजेस में नहीं थे। हमारे जो ग्रंथ थे, हमारी जो नॉलेज थी, चाहे किसी भी स्फीयर में देख लो, चाहे उसको गवर्नेंस में देखो, चाणक्य नीति देखो, अर्थशास्त्र देखो, ये सब आज के जो लेख आते हैं ना उनको सिखा देंगे कुछ ना कुछ। परंतु बहुत लंबी बात है, परंतु उसको छोटा कहूं तो मैकॉले ने क्या किया, हमारे 2.5 लाख संस्कृत के गुरुकुल बंद किए पहले, क्योंकि संस्कृत अगर जो रहेगी तो हिंदुस्तान को तोड़ना भी मुश्किल है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें काका घागा आप कहीं भी चले जाओ, काका घागा एक ही है, चाहे उड़िया हो, चाहे बंगाली हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कैनरीज हो, चाहे मलयालम हो, सब में संस्कृत है। 60-70% संस्कृत है हर एक भाषा में। ये अगर जो भाषा होती हमारी तब जो थी उसको तोड़ के यहाँ पे अब अरबी पढ़ाई जा रही है कई जगह, क्यों? क्योंकि इससे उन्होंने कई काम किए। एक तो हमारी भाषा तोड़ के अंग्रेजी हम पे थोपी, जिससे कि एक इलीट पैदा हो गया, जिसको अगर जो तुमको अंग्रेजी आती थी तभी तुम अकलमंद थे, नहीं तो अकलमंद हो, ये तमाशे शुरू हो गए, और काफी हद तक आज भी यही हाल है। फिर के जी हमारे हमारी जो सभ्यता में था क्या, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये तो जी जो नॉर्थ में जो हम जो नॉर्थ इंडियन है जो आर्यन रेस कहलाते थे, वो जी आए हैं सेंट्रल एशिया से और इन्होंने द्रविडियंस को भगा दिया, नीचे भगा दिया, जिससे कि ये नॉर्थ साउथ डिवाइड शुरू हो गया, वरना इस देश में कभी ऐसा नहीं था। द्रविडियन और हम लोग, हम कोई सेंट्रल एशिया से नहीं आए हुए, हम यहाँ की सरस्वती
सरस्वती की सभ्यता में थे, सरस्वती रिवर की सभ्यता में। एनीवे ये ऑल ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप समझो कि कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तोड़ा गया है और इसको तोड़ के आज हम जो जो ये जो कास्ट डिवाइड हो गया है, ये सब अंग्रेजों ने बता बता के, अरे आप तो इस कास्ट के हो, आप इनसे क्यों बात करते हो, आप तो ये हो, ये डिवाइड क्रिएट किया, हिंदू और सिख में डिवाइड क्रिएट कर दिया एसजीपीसी एक्ट लाके। क्योंकि पुराने जमाने में गुरुद्वारे महंत चलाते थे, पर इन्होंने उत्साह कर दिया। तो ये डिवाइड जो किए गए, हमें समझना है कि ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सभ्यता है, वो एक है, और ये दुनिया में कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो कहती है कि आप किसी भी मजहब के हो, हम सब मजहब को ठीक समझते हैं, क्योंकि सब मजहब आपको मोक्षा की तरफ लेके जाते हैं। परंतु ये सिर्फ हम ही कहते हैं इस दुनिया में, ये सिर्फ हमारी गीता और हमारे वेद, हमारे ग्रंथ कहते हैं ना। तो ये जो एब्राहमिक रिलीजन हैं वो ये सब नहीं कहती, बाकी सब रिलीजन कहती हैं हम हैं और हम ही हैं, बाकी अगर जो तुम हमारे जैसे नहीं बन सकते तो फिर हम आपको वैसा बनाएंगे, नहीं तो मार डालेंगे, जिहाद करेंगे आपके साथ। तो ये तमाशे जो शुरू किए गए, ये सब अल्टीमेटली देखा जाए तो जब देश में देश की सभ्यता को संभालने वाले खत्म हो जाए, जब देश की लीडरशिप ठीक ना हो, तो ये होता है। पिछले 8-10 साल से इन सब चीजों को ठीक करने की तरफ जा रहे हैं, और रास्ता लंबा है, और इसमें सबसे ज्यादा तो आप लोगों को काम करना है। हम तो जितना कर सकते हैं करेंगे, पर समय कम है हमारे पास, क्योंकि जो चीज 700-800 साल में उल्टी की गई, उसको कम से कम 50-60 साल तो ठीक लगेंगे ना ठीक करने में। और दुख की बात तो ये है कि ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने 60 साल उसी उन्हीं का एजेंडा चलाने में पूरा कर दिए। तो बच्चों, मुझे आपको एक दफा एक फिर से बहुत बधाई देनी है कि आपने वो फील्ड में अपना समय देने का के डिसीजन लिया है, और वो है कि आप देश के लिए साइबर वॉरियर बनेंगे, और जो आपको ये साइबर विद्यापीठ करा रहा है, और बालाजी वेंकटेश्वर को तो मैं कई सालों से जानता हूं कि इनका पैशन है कि देश के लिए इतने साइबर वॉरियर क्रिएट करने हैं कि हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को देख सकें, जिसके जो फाइनेंशियल चीजों के लिए जरूरी है, जो आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है, जो आपकी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। मुझे कोई फील्ड बता दो जिसके लिए ये जरूरी नहीं है। तो बच्चों, आप ये कह के मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी देश की सुरक्षा, इसकी इसकी लीडरशिप के ऊपर आप ख्याल करोगे। आप सब बड़े हो रहे हो, आप वोटिंग एज में भी आ रहे हो, तो सोच समझ के अपना वोट भी डालना। ये नहीं हमको सोचना चाहिए इतने लोग हैं, मैंने नहीं कुछ किया तो कुछ नहीं, बट ये हमारा कर्तव्य है कि हम वोट करें, और जब वोट करें तो ये देखें कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, और जब राष्ट्रीय सुरक्षा ठीक होगी तो आपकी इकोनॉमी भी ठीक रहेगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन ठीक रहेगी, आपकी एनर्जी, सब फूड सिक्योरिटी, सब चीजें ठीक रहेगी, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद और जय हिंद।
नमस्कार आपका कवि साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज की जो आपके द्वारा बताया हर एक शब्द हमारे बच्चों पे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे असर डालेगा। साइबर एक निश्चित तौर पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट लीवर है, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग इसको देख रहे हैं वो अपने को साइबर रक्षक की तरह बनाने के लिए अग्रसर। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।